हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मु मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्टपाद परमहंस परिब्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्टपाद परमहंस परिब्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराजिंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुछि। आमने धारावाहिक भावरे भक्ति संबंधे श्रवण करुछे। भगवान कृष्ण प्रति जो भक्ति ए भक्ति होचि सुदुर्लभ। ए भक्ति साधना द्वारा प्राप्त हुए नहीं, निज चेष्टा प्राप्त हब नहीं, केवल निज चेष्टा द्वारा प्राप्त हब नहीं, भगवान कृपा बिना केवल निज चेष्टा रे जने भगवान कर प्रति ये जो सुदुर्लभ भक्ति ए भक्ति को प्राप्त करि परिबो नाही। निजर साधना संगे संगे भगवान कर विशेष कृपा हवा आवश्यक, किंतु ये भगवान कर कृपा प्राप्त हब किमिति? ए भगवान कर कृपा प्राप्त हब जदि तांकर भक्तंकर कृपा हब। सेतिपा में महान भक्तंकर जीवन चरित्र को आम श्रवण करुचे। आज आम भगवान कृष्णंकर महान भक्त पांडव मानक मध्यरे पांडव मानक संबंधरे आम श्रवण करिवा। ये पंच पांडव कोई साधारण नथिले। ये पंच पांडव पांच पांडव जो महाभारत रामायण तांकर जीवन चरित्र संबंध में श्रवण करिछे, ए माने भक्तिर एभली एक स्तर थिले
ते भगवान ए पांडव मानकर निजर मामुंकर पुत्र तांकर भ्राता तांकर दूत रूपे कार्य करथिले तांकर मित्र तांकर सारथी एवं तांकर आज्ञा भी पालन करथिले। ए भक्तिर जो उत्कर्षता भक्तिर श्रेष्ठता ये सेवा अनुसार ही होई थाए जे जेते उन्नत सेवा भगवान कर करिछि भगवान कार प्रेम रे व प्रीति रे केते वश्यता स्वीकार करिसेंते ता पर निर्भर करुछि ए भक्तिर उत्कर्षता। आ श्री भगवान का सहित जो संबंध अछि भक्तर तार प्रगाढ़ता द्वारा ही यही भक्त मानकर तारतम्य देखिवक मिले। यद्यपि समस्त हेले महान सब भक्त मान हेले महान किंतु तंकर जो संबंध भगवान सहित तार गाढ़ता ऊपर निर्भर करुचि तंकर भक्तिर उत्कर्षता। तेणु एभली आम मैंने श्रवण करुचे ज्ञानी भक्त ए ज्ञानी भक्त मध्यरे थिले प्रह्लाद महाराज श्री भीष्मदेव तापर आम तांकोटु श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ हेले प्रेमी भक्त श्री हनुमान हनुमान जी विषय आम श्रवण कले तांकर भगवान श्री राम को प्रति जो अटूट विश्वास श्रद्धा एवं तांकर सेवा परायणता तांकर निष्ठा भगवान प्रति तांकर प्रेम ए संबंधे श्रवण कले प्रेमी भक्त हनुमान एवं ज्ञानी भक्त तापर आम श्रवण कले कले आज आम पांडव मान विषय श्रवण करवा एम प्रेम परा भक्त। यही पांडव मान भगवान एत प्रिय थे कि भगवान अर्जुन सारथी हवा स्वीकार कले ये अर्जुन थे भगवान अत्यंत प्रिय तांकर सखा एवं भगवान आम एक श्रवण करिछे जे किपरि दुर्योधन बुद्धि को भगवान हरण करने गले एवं युद्ध क्षेत्र रे से अस्त्र धारण करिवे नै शस्त्र धारण करिवे नै बोली प्रतिज्ञा कले ए जहाँ भी किछि कले से अर्जुन सारथी होवा पाई कारण अर्जुन तांकर अत्यंत प्रिय थिले भगवान एते तांकर प्रिय थिले। थरे नारद मुनि जाई कैलाश रे पहुंची गले एवं कैलाश रे पहुंची भगवान श्री शंकर महादेवंकर गुणगान करिया लागले। नारद मुनि कहिले हे देव देव महादेव आपण भगवानकर एते प्रिय हरिंकर एते प्रिय आउ केही सेवक नाते आपणक भली प्रिय तेणु आपण सबुठ श्रेष्ठ भगवान कर सेवक भगवान कर भक्त एवं आपण अभिन्न रूप से पूजित होती। किंतु महादेव कहिले हे नारद तुम जी प्रभुंकर अंतरंग भक्त को देखा चाहूँ ताले तुम एक क्षण सीधा सीधा जाई द्वारका पहुँच एवं द्वारका जाई दर्शन कर ते कृष्ण अर्जुन कौटे अच्छा तो नारद मुनि भगवान शंकर निर्देश रे द्वारका राशि पहुँचले एवं द्वारका राशि देखले कौन ना कृष्ण अर्जुन एक पलंग रे शयन करमी ना कृष्णंकर पाद पद्म अर्जुन मस्तक उपरे एवं अर्जुन पाद पद्म कृष्ण मस्तक उपरे आओ कृष्णंकर पाद पद्म को सेवा करुछन्ति किए ना द्रौपदी सुभद्रा सेवा करुछन्ति एवं अर्जुनंकर पाद पद्म को सेवा करुछन्ति रुक्मिणी सत्यभामा आदि एवं अर्जुन पूर्ण रूप से निद्रा रे चक्षु मुद्रित करी हाँ हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बोली गान करुछन्ति तांकर अष्ट सात्विक विकार रोमांच अश्रु प्रवाहित होउछि। ए अवस्था देखिले नारद मुनि
तेणु शंकरजी महादेव जे ठीक कही एक से अनुभव कले जे अर्जुन कृष्ण केते प्रिय एक पलंग शयन करते एक सहित भोजन करते अर्जुन सखा सारथी तांकर आज्ञा पालनकारी एवं अत्यंत घनिष्ठता तेणु यही सब देखिकी जना जाउछि जे पांडव माने विशेषकर अर्जुन कृष्ण केते प्रिय भक्त थिले एभली प्रेम अन्यान्य भक्त मान पाखरे साधारणतः देखिबाक मिले ना महान भक्त पांडव मानकर भक्ति संबंध रे ए पांडव माने भगवान कृष्ण एते प्रिय थिले ए पांडव मानकर सखा भ्राता दूत मित्र एवं सारथी रूप से भगवान सेवा करथिले अन्यत्र भक्त माने भगवान कर सेवा करती किंतु पांडव मानकर हृदय रे भगवान प्रति एते भक्ति थिला ये तांकर प्रेम रे बसीभूत हो भगवान निजे पांडव मानकर सेवा करिसेंदी महाभारत युद्ध रे अर्जुनंकर सारथी हेथिले भगवान श्रीकृष्ण एवं हनुमान के भली महान भक्त जे कि प्रेमी भक्त हनुमान भगवान राम कर अनन्य भक्त एवं दास्य रसरे एते श्रेष्ठ भक्त यद्यपि भगवान कृष्ण राम को मध्य भेद नहीं सेति पे हनुमान भगवान कर आज्ञा रे अर्जुन को सुरक्षा देवा पाई तांक रथरे ध्वजारे विराजमान हो गले तेणु महाभारत युद्ध रे अर्जुन जो रथ रे बसथिले जो रथ को भगवान चालना करथिले सेई रथर ध्वजारे पताकारे हनुमान विद्यमान थिले सेति पाई अर्जुन को से रथर नाम थिला कपि ध्वज रथ तेणु हनुमान को बड़ी महान भक्तों को निजर पांडव मानकर रक्षा पाई निजर प्रिय सखा अर्जुन सुरक्षा पाई जहाँ को सेवार निजुक्त करदे भगवान श्रीकृष्ण तेणु एठू जना पड़ुछि जे अर्जुन भगवान कर केते प्रिय थिले कृष्ण केवल अर्जुन सारथी तांको सेवा करना सारथी हवा माने अर्जुन रथरे थिबा घोड़ा मानकर भी सेवा करिसेंति रथ को सफा करिबा एवं रथर जो साधारण सेवा घोड़ा मान को सेवा करिबा एवं अर्जुन धनुष बाण नहीं प्रस्तुत रहुतले युद्ध क्षेत्र रे एवं निजर गोड़ रे लात मारी भगवान को निर्देश देउथिले किंतु वास्तव रे अर्जुन भाव कौन थिला कृष्ण के प्रति हे कृष्ण हे मोर सखा आपण केवल मो रथर सारथी नुहंती आपण मो मनर रथर सारथी अर्थात युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन के पाखरे सब प्रकार दिव्य अस्त्र एवं से अजेय थिले किंतु यदि मन भ्रमित होता ताले कौन होता ताले युद्ध क्षेत्र से विजय लाभ करि पा नथांते सेति पाई तांकर मन को निजर लक्ष्य स्थल रे अर्थात अधर्मर पराजय एवं धर्मर जय पाई अर्जुन मन रथ को सही निर्देश रे सही दिगरे भगवान परिचालन करथिले तेणु अर्जुन भाव थिला जे मोर प्रभु मोर सखा मोर कृष्ण से मोर मनर सारथी केवल मोर रथर सारथी नुहंती ए बड़ी प्रीति जे भगवान को अर्जुन प्रति से बड़ी प्रीति अन्यत्र देखा जाए यद्यपि प्रह्लाद भीष्म अम्बरीश महाराज हनुमान जी एम महान भक्त थे किंतु अर्जुन प्रति तांकर भगवान कर जो अनुरक्ति भाव जो प्रकार प्रीति भक्त वश्यता एटा अन्यत्र देखा जाए ना अर्जुन को भगवान एते भल पाते तांकर भगिनी तांकर अली अली भौणी सुभद्रा को
अर्जुनक सहित विवाहर करने समस्त योजना भगवान कृष्ण निजे करते। अर्जुन एक सन्यासी बेश नहीं तीर्थ भ्रमण छल सर्वत्र भ्रमण करू करू द्वारका आसी पहुँचले एवं द्वारका रे आसी द्वारकाधीश एक उपवन रे अर्जुन सन्यासी ही बास करने को लगे एवं समस्ते से सन्यासी को दर्शन करने को जानते। कृष्ण को निर्देश रे तांकर भौणी सुभद्रा मध्य अर्जुन को दर्शन करने को गले एवं अर्जुन सुभद्रांकर दिव्य रूप एवं गुण रे मोहित हो गले आकृष्ट हो गले एवं अर्जुन तांकर वास्तविक परिचय सुभद्रा को देले। सुभद्रा मध्य अर्जुन को प्रति आकृष्ट हो गले। एक कृष्ण जानी पारले भगवान तो अंतर्जामी सब जानते से कृष्ण सुभद्रांकर विवाह पाई सुभद्रा को एभली निर्देश देले हे सुभद्रे तुम्हें जाओ सन्यासी सेवा करिया पाई जाओ। तो से समय रे सुभद्रा जाई अर्जुन के पाखरे तले पहुँचले से समय रे अर्जुन सुभद्रांकर हरण कर नेगले रथरे बसे नेगले किंतु कृष्ण का निर्देश थिला सुभद्रा ही अश्वचालना करिवे तेणु सुभद्रा अश्वचालना कले अर्थात रथ को चलेले एवं अर्जुन निजर धनुष बाण नहीं युद्ध पाई प्रस्तुत रही गले। जे समय एक बलदेव शुणिले बलराम अत्यंत कुपित हो गले कारण कौन त बलराम सुभद्रांकर विवाह दुर्योधन सहित करने कथा देते निजर वचन देते कारण दुर्योधन बलराम कर शिष्य युद्ध शिखुले सी गदा युद्ध शिखुला तेणु सी थे शिष्य एवं तार वीरतार प्रसन्न हो बलराम बर देवा चाहते एवं दुर्योधन बलराम को सुभद्रांकर हाथ मागि कि से बलराम कथा देते से बलराम को प्रतिज्ञा भंग हम कथा रही बने। बलराम अत्यंत क्रोधित हो गले एवं द्वारकार सैन्य नहीं अर्जुन को बंदी बनवाई प्रस्तुत हो गले। से समय कृष्ण भाई बलराम को बुझाइले हे भाई बलराम चिंता कर सुभद्रा निजे ही अर्जुन को रथ चालना कर अर्जुन सुभद्रा को नहीं जाए ना एक शुणी बलराम आश्चर्य हेले एवं कृष्ण बुझाई देले हे भाई बलराम एथिरे आमर भौणी सुभद्रांकर निजर आंतरिक इच्छा थिला जे से अर्जुन को सहित विवाह करे अर्जुन को पति रूपे स्वीकार करने तुम्हें कौन तक इच्छा विरुद्ध। एक शुणी बलराम को क्रोध शांत हो गला वास्तव में ये थिला भगवान कृष्णकर योजना ता कारण अर्जुन को प्रति तांकर थिबा गभीर प्रेम तांकर सख्य भाव तांकर सख्य प्रेम जो ये पांडव मान प्रति कृष्णकर जो प्रीति थिला से आम देखते महाभारत युद्ध रे अनेक स्थल रे जो युद्धर नियम थिला से नियम को स्वयं भगवान उल्लंघन करथिले। भगवान ए नियम को उल्लंघन करथिले काहेकि ना पांडव मान प्रति प्रीतिर कारण भीष्मदेव को आम श्रवण करथिले भीष्मदेव किपरि भगवान को अस्त्र धारण कराई दिथिले भीष्म को पराजित करिवारे कर्ण भली महान महारथी को वध करिवारे भगवान नियम को उल्लंघन करथिले पांडव मान कारण भगवान से अवश्य भगवान सीएल सर्वनियंता सब नियम सीएल मूल से जहा करती ताहा ही वास्तव रे नियम से कि साधारण भाव देखा मिले ये पांडव मान प्रति अर्जुन के प्रति तांकर प्रीति थवा हेतु सी अनेक स्थल जपरी कर्णवध समय आओ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ରଥି ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯଦି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରାଯାଇ ନପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ କାରଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଅଧର୍ମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିଏକି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ କହିବାରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମହତ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବଧ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନର ବା ଗୁଞ୍ଜର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ହାତୀ ହେଇପାରେ ବାସ୍ତବରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ଏକ ହାତୀର ହିଁ ବଧ ହୋଇଥିଲା ଭୀମସେନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଲା ଏବଂ କେବଳ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଯେଉଁ ସମୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମକୁ ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମକୁ ତୁମେ ବଧ କରିଛ ସେ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତା କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଭଗବାନ ସିଏ ଧର୍ମର ପ୍ରଣେତା ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ଜଗତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ତା ହିଁ ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଲେ ଏସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିବାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏ କଥା ଲୀଳା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କରିବାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଜୟଦ୍ରଥ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଥିଲା ଜୟଦ୍ରଥ ଯେ ଜୟଦ୍ରଥର ବଧ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତା ପାଖରେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ବରଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଜୟଦ୍ରଥ ଭାବିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଜୟଦ୍ରଥ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଧ ନ କରିପାରିବି ନିଜେ ଅଗ୍ନି ସମାଧି ନେବି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଯେଉଁ ଲୀଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଛଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଇପାରିଥିଲା ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମକୁ ଭଗବାନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କଲେ ତାହା କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୈଶ୍ୟତା ଏ ଲୀଳାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ଆଗାମୀ ପ୍ରବଚନରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ।